कारमय में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंह, आइए चलते हैं खास खबर की ओर। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 11 आरोपियों को किया गिरफ्तार, लगी बड़ी सफलता हाथ। जानकारी के अनुसार जबलपुर में 482 लीटर कच्ची शराब एवं 31 लीटर जहरीली शराब बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 51,300 रुपए बताई गई है। साथ ही हजारों कीमत की महुआ, लहन एवं भट्टियां भी मौके पर नष्ट की गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप द्वारा जिले में पदस्थ समस्त राजपत्रित अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए थे। आदेश के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा एवं लोकेश डावर की मार्गदर्शन थाना कटंगी की टीम द्वारा 11 आरोपी गिरफ्तार कर उनके पास से 482 लीटर कच्ची शराब एवं 31 लीटर जहरीली शराब के साथ रंगे हाथों उन्हें पकड़ा गया है। संवाददाता जीतेन रावत के साथ अनमोल अग्रवाल की रिपोर्ट। आज रात्रि में काम्बिंग गश्त के दौरान थाना कटंगी में बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें कूड़न मोहल्ले में कच्ची शराब बेच रहे लोगों को पकड़ा गया है। साथ ही जहरीली शराब बेचने वाले लोगों को पकड़ा गया है। कुल 482 लीटर कच्ची शराब जब्त की गई है और 31 लीटर जहरीली शराब जब्त की गई है और सभी 11 आरोपियों के विरुद्ध 34(2) एक्साइज एक्ट और 49(a) एक्साइज एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। सभी को जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है और यह कार्रवाई अवैध शराब बेचने वालों के विरुद्ध लगातार जारी रहेगी।